अरे क्या हुआ बेटा, तू बीच में खाना क्यों छोड़ के आ गया? पिताजी आप मेरे साथ थाने चलिए। थाने? मगर क्यों, क्या हुआ? पिताजी आपको नहीं पता, यहाँ एक चोर घुसा है और उसने मेरी एक चीज चोर डाली है। चोर? चोर घुसा है? तू कहना क्या चाहता है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिताजी यहाँ पे वो चोर है ना, उसने मेरी एक चीज अभी चोर ली है। अगर हमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई, थाने नहीं गए, तो वो पता नहीं क्या क्या चुरा लेगा। पिताजी आप बस मेरे साथ थाने चलो, हम पुलिस को लेकर आते हैं। अरे मदन लाल जी आप यहाँ बैठे हैं, आप चलिए मेरे साथ, विदाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। बेटा आप भी चलो मेरे साथ। पिताजी जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। चोर? ये तो क्या कह रहा है बेटा? मैं ठीक कह रहा हूँ ससुर जी, आपके घर में एक चोर घुसा है, उसने मेरी एक कीमती चीज चुरा ली है। और आपको पता है वो मुझे फोन पे धमकी दे रहा है कि उस चीज के बदले फिरौती दो, वरना मैं तुम्हारी कीमती चीज कभी भी तुम्हें वापस नहीं दूंगा। ये बात है तो रुक बेटा, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ जी आप सदर थाना से इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं? हाँ जी सर, मैं पंदू बोल रहा हूँ। आज मेरे घर में मेरी बिटिया की शादी है और मेरे जमाई राजा की कोई कीमती चीज चोरी हो गई है। सर हमारे घर में कोई चोर घुसाया है, प्लीज आप जल्दी आइए यहाँ पर। हाँ जी थैंक यू सर, थैंक यू। बेटा आप चिंता मत करो, पुलिस अभी आती होगी और अभी चोर को पकड़कर अपने साथ ले जाएगी। अरे साली साहिबा, चोर पकड़ा गया क्या? चोर? कौन सा चोर जीजू, क्या हुआ? अरे मेरी साली साहिबा, जिसने मेरे जूते चुराए थे वो चोर। अच्छा जीजू, जूते तो मैंने चुराए थे। अगर आपको जूते चाहिए ना तो आपको पूरे 11,000 रुपए नेक देने पड़ेंगे। हाँ अच्छा, तो ये बात थी। अरे बेटा मटरू, यह एक रीत होती है जीजा साली की जूता चुराई की। तो वो फोन आपने किया था क्या? हाँ जीजू, फोन तो मैंने ही किया था। अब लाओ जल्दी से मेरे पैसे। ये ले बेटे तेरे 11,000 रुपए शगुन के, अब तो खुश है ना? ये लो जीजू आपके जूते। मैंने सोचा था जूते चोर ले गया, ऐसे करो ये जूते आप वापस रखो और वो 11,000 रुपए मुझे वापस दो। अरे बेटे ये तू क्या कर रहे है? पिताजी सही तो कह रहा हूँ, ये मेरे जूते 2,000 रुपए के हैं और आपने इसके बदले में 11,000 रुपए दे दिए, मुझे धंधे में नुकसान पसंद नहीं है।